आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरदार। चलिए खबर की ओर। वासेपुर में चला एक बार फिर बम। जी हां, मैं आपको बता दूं कि वासेपुर बाईपास रोड के रहने वाले नौशाद आलम के घर पर पारिवारिक विवाद के कारण बम फेंका गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दो बम फेंका गया। बम फेंकने के कारण इलाके में दहशत फैल गई है। नेशनल टुडे लाइव के माध्यम से आप जान पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वासेपुर में बम फेंकना आम बात हो गया है। अभी तक इस मामले में कोई की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं, किसने बम फेंका और क्यों फेंका, खुद ही जाने पीड़ित परिवार के लोगों से। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। क्या हुआ था, क्या मामला था? कल रात को 11:50 में करीब दो बम यहाँ पर गिरा है, जिसमें एक फूट गया बम, एक मिस हो गया। रात में आपके घर में बम चला? रात में मेरे घर में बम चला है और करीब वही 11:50 का ही समय। उसके बाद मार के वो लोग भाग गया। हम लोग निकले तब तक वो लोग भाग गया। तो कौन थे वो लोग? वो मेरे माने ससुराल है, वाइफ का मामा है, एक उसका भाई है और एक उसका दो मामा और एक भाई है साला। वो लोग क्रिमिनल है, नेता है और रामगढ़ में रहते हैं। तो हमको 8 तारीख को धमकी दिए थे। हम लोग गए थे, केस चल रहा है बड़का खाना में, तो 8 तारीख को गए थे। तो 8 तारीख को वो धमकी दिया था कि तुमको बर्बाद कर देंगे। इससे पहले भी एक दो बार मामला था। मामला वो मेरे घर वाइफ वाला मामला है, 3 तलाक वाला मामला है। अच्छा। वो बोलती कि मेरे तुम पर इसको मत रखो, मेरी बीवी को तो तुम तलाक दो, जबकि हम तलाक भी नहीं दिए। ठीक है, तो उसी में बोला है कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे, अन्य तो तुम तलाक दो। इसकी जानकारी आपने पुलिस को? पुलिस को कल दिए, तो पुलिस को फोन किए, तो पुलिस आई थी रात में। रात में आने के बाद देख दाख के गया, बम उनको पानी में रखे गए। उसके बाद फिर अभी तक कोई पुलिस प्रशासन आया नहीं। इसके बाद दोबारा आपने कॉल किए हैं तो बोले हैं कि 12 बजे तक, 12 बजे तक हम आएंगे या फिर तुम लोग आओगे, ऐसा इस टाइप का वो बोल के गए हैं। मैंने फ़ोन में बात हुई। तो क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन? हम लोग चाहते हैं कि इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कल होके फिर हमको वो लोग कहीं भी चलेंगे तो मारेगा। हमको सिक्योरिटी चाहिए, मान लिया हम सुरक्षा चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जाएंगे या फिर अभी रामगढ़ में डेट है तो डेट में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ कार्रवाई करेगा, मारेगा पीटेगा। तो इसलिए हमको कुछ सुरक्षा चाहिए और आप लोग के माध्यम से हमको मतलब सुरक्षा देने का आग्रह करवाइए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शमशाद आलम है, बाईपास रोड धनबाद सिटी।